हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेई एडवांस 2023 का है ना। इस बार पूछा है और ये एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, इसलिए मैं सोचा कि अपने चैनल पे इसको डिस्कस कर दिया जाए। तो देखिए क्या है कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज आर, इसमें से कौन से हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला है रोस्टिंग ऑफ मैलेकाइट प्रोड्यूसेस क्यूपराइट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए ऑप्शन को देखिए। मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसको जब आप हीट करते हैं तो कॉपर कार्बोनेट जो है CuCO3 वो टूट जाएगा CuO और CO2 में, ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी CuO में टूटेगा और वाटर बनाएगा। तो ये जो है ओवरऑल प्रोडक्ट हुआ। तो ये जो है ना क्यूपराइट नहीं है, क्योंकि क्यूपराइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Cu2O, जहाँ पे कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये है कॉपर प्लस टू में, सही। तो ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे चले, क्या है कि कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिंक साइट। ओके, कैलामाइन की बात करें तो वो होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, उसको हीट कीजिएगा तो अगेन कार्बोनेट है, मेटल ऑक्साइड में टूटेगा और साथ साथ CO2 बनाएगा, ठीक है। ये जो ZnO है उसको हम लोग जिंक साइड बोलते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की बात करें, कॉपर पाइराइट इज हीटेड विथ सिलिका इन रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन, ये बिल्कुल सही है। कॉपर पाइराइट और चैल्को पाइराइट जो होता है वो है CuFeH2, इसको अगर आप हीट करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस रोस्टिंग करते हैं तो बनाता क्या है, Cu2S, FeO और SiO2, ठीक है। अब FeO जो है इसमें गैंग होता है, SiO2 फ्लक्स डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर SiO2 क्या डाले, फ्लक्स, ये बना नहीं है यहाँ पर, इसको डालना है हमें, SiO2 फ्लक्स डालेंगे तो इससे होगा क्या, ये बनाएगा SO2, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा FeSiO3 में, ये क्या है इसका स्लैग। FeSiO3 जो होता है वही है स्लैग कॉपर मेटलर्जी का। तो कॉपर पाइराइट इज हीटेड विद सिलिका एंड रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन, ये बिल्कुल सही है। आयरन को हम लोग FeSiO3 स्लैग के फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं। चले अब डी ऑप्शन की ओर, इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विथ एक्वस KCN इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाई रिडक्शन विथ जिंक मेटल। ये डायरेक्ट है मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस है, जो कि सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। हमें पता है कि यहाँ पर सिल्वर को हम लोग लीचिंग करते हैं, सोडियम साइनाइड को लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है AgCN होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद हम इसको जिंक मेटल के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ये जो काम करेगा जिंक वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, तो सिल्वर को बाहर निकालेगा और खुद जो है साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnCN42-। समझ गया, तो ये सिल्वर एक्सट्रैक्शन यहाँ से हो गया। तो बोला कि इम्प्योर सिल्वर को ट्रीट करते हैं एक्वस केशियन, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, एंड फॉलोड बाई रिडक्शन विथ जिंक मेटल, बिल्कुल सही। तो ओवरऑल जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर में आ गया, एक बी हो गया, सी भी हो गया करेक्ट, और एक डी भी हो गया करेक्ट। तो ओवरऑल हम लोग लिख देंगे BCD आर करेक्ट स्टेटमेंट। थैंक यू।